सो आई एंड वेलकम टू एम बी ए विद आर्शी खान आई होप यू गैक्ट टू इन गोर और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एम बी ए कॉलेज विदाउट कैट्स एग्जामिनेशन राइट अब इसमें कुछ बहुत अच्छे कॉलेजेस भी हैं कुछ एवरेज कॉलेजेस भी हैं और कुछ कॉलेजेस को मैंने कट भी कर दिया है बिकॉज यूजुअली क्या होता है स्टूडेंट्स को जब कंटेंट टीम रिसर्च करके कंटेंट बनाती है तो वो कहीं ना कहीं ऑनलाइन रिसर्च कर रही होती है और ऑनलाइन भी जो उनके साथ होता है वही सेम आपके साथ होता है एज अ स्टूडेंट बट मी बिंग अ यू नो काउंसिलर जिस पे आप आते हो चैनल पर वीडियोज़ देखते हो यू काइंड ऑफ एक्सपेक्ट एक्सपेक्टिंग अगर हम कॉलेज़ की बात कर रहे हैं दैट शुड बी क्वाइट जेनवन कॉलेज़ वैन इट कम्स टू टॉप एम डी ए कॉलेज इन इंडिया तो अभी हम यहां टॉप की तो बात नहीं कर रहे बट हम ट्वेंटी एमबीए कॉलेजेस की बात कर रहे हैं जिनको विदाउट कैट एग्जाम आप कहीं ना कहीं टारगेट कर सकते हैं सो लेट्स गेट स्टार्टेड

कि अमृता विश्व विद्यापीठ कोयम्बटू वो सोचता है यार ये इनके साथ है दैट मींस ये कॉलेज कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छा होगा और वो एडमिशन ले लेता है दैट इज़ द रीजन मैंने पहले ही कंटेंट देखते टाइम कट कर दिया उसी तरह से एम यूनिवर्सिटी गौतम बुद्ध नगर मेरी एक स्टूडेंट थी हर स्टूडेंट ने एक कंटेंट राइटर थी या नेम वॉज एकता उसने जॉइन किया आई थिंक उसका दसवां ग्यारह ग्यारहवा दिन था थोड़ा सा यू नो एक्सप्लेन करे हूँ या आपको हेल्प ही करेगा कहीं ना कहीं तो मैंने उससे बोला यार मुझे टॉप एम बी ए कॉलेज का कंटेंट आप मुझे बना के दो शी वॉज फ्रॉम कोलकाता तो शी रिसर्च द लॉट एंड शी प्रोवाइडेड मी डेली मुंबई तो जितने भी वो कॉलेज बना रहे थे लेट्स से वो अगर एम पी में बना रही थी वो यू नो डेली में बना रही थी तो हर जगह एम टी रायपुर एम टी एम टी इंदौर एम टी तो मैंने बोला यार एम टी वालों ने पैसे दिए हैं क्या तो शी साइट मैम मैं जितनी भी साइट्स पे गई सब जगह कहीं ना कहीं एम था तो बीइंग अ कंटेंट राइटर हु इज़ इन टू रिसर्चिंग दे गोट गोट कन्फ्यूज राइट जिनको एम डोमेन की नॉलेज नहीं है उसी तरह से एज अ स्टूडेंट जो है हम भी बहुत रॉ होते हैं राइट right? हमें पता है कि टॉप कॉलेजेस में जो है वो आई एम आता है एक्सलर आता है बट हर बच्चा नाइन्टी एट नाइन्टी नाइन परसेंट टाइप स्कोर करे ये उसके लिए कहीं कही ना कहीं पॉसिबल नहीं होता और वो बच्चों के पेन पॉइंट पे यहाँ पे ऐसा होता है कि बीच में ऐसे कॉलेजेस डाल दो और बच्चा सोचता है यार दे आर बीइंग प्लेस्ड विद दिस काइंड ऑफ कॉलेजेस दैट मींस यू नो एडमिशन जो है मतलब यही ले लेते हैं चलो कमिंग बैक टू द कॉलेजेस सबसे पहला कॉलेज है एगजल राय जमशेदपुर के थ्रू है इसका जो डिफिकल्टी लेवल है इट इज़ एज टफ एज कैट राइट दोनों ही काफ़ी टफ एग्जामिनेशन है 97 98 नाइन्टी एट परसेंट टाइम पर आपको कॉलेज आता है एंड इसी के लिए हज़ारों बच्चा कहीं ना कहीं एग्जाम देता है बिकॉज दैट इज स्पेसिफिकली फॉर एक्जल जमशेदपुर तो आप विदाउट कैट दैट मींस आप जैट के थ्रू इस कॉलेज को टारगेट कर सकते हैं जो दूसरा कॉलेज इस लिस्ट में दैट इज एस आई बी एम पुण है इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से अपीलिएटेड है वैसे सिम्बियसिस ने तो यू you नो know, आई थिंक पता नहीं कितने सारे कॉलेजेस खोल दिए हैं आप बैंगलोर में देख लो आप हैदराबाद में देख लो आप नागपुर में देख लो आप पुणे में ही कई कई कॉलेजेस हैं बट थ्रू स्नैप आई थिंक एस आई बी एम इज दी टॉप कॉलेज राइट कट ऑफ जो 98 percentile है वो नाइन्टी एट परसेंट आईल है बट थ्रू कैट एंड जैट स्नैप थोड़ा सा ईजी होता है वन इट कम्स टू द लेवल ऑफ एग्जामिनेशन तो आप कहीं ना कहीं दे सकते हैं लेट्स से आपका स्नैप भी बिगड़ गया अगर आपको कैट के बिना एडमिशन लेना है आप 2023 ट्वेंटी थ्री है तो आप इन मार्ट दे के नारसी मुंजी मुंबई में भी चले जा सकते हैं हम नारसी मुंजी ने भी अगेन ऑल दीज आर बिजनेसेस राइट दे आर ऑल्सो ट्राइंग टू अर्न एक ब्रांड क्रिएट कर लिया वेन इट कम्स टू प्राइवेट कॉलेजेस राइट एंड नाउ दे आर इन जनरेटिंग रेवेन्यू तो अगर हम एन की बात करें तो मुंबई कैंपस है नबी मुंबई कैंपस है बांग्लोर है हैदराबाद है इंदौर है नंबर ऑफ पर मुंबई इज़ अ मेन कैंपस थ्रू एन मैट ये मिलता है बट एन मैट के थ्रू आप और भी कई सारे कॉलेजेस जो हैं वो कही कहीं ना कहीं टारगेट कर सकते हैं अब ये दोनों कॉलेजेस में ये नहीं कह रही बुरे हैं या अच्छे हैं बट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि दिस शुड नॉट बी प्लेस्ड विथ दीज कॉलेजेस राइट देन बी आप जामिया मिल्ह इस्लामिया राइट इनका भी एग्जाम होता है कॉल जाम जे एंट्रेंस टेस्ट राइट फीस कम है और उसके हिसाब से यू नो आर भी है एंड इट इज़ कंपैरेटिवली वेरी ईजी टू गेट फ्रॉम ऑल दीज कॉलेजेस देन उसके साथ साथ हम जाते हैं आई एम आई डेली पे आई एम आई कैट भी एक्सेप्ट करता है जैड भी करता है तो अगर आपने कैट नहीं दिया है जैड और जी मार्ट के थ्रू आप आई एम आई डेली में जा सकते हैं नाइन्टी टू नाइन्टी थ्री इज द कट ऑफ ऑफ आई एम आई डेली देन वी हैव ट ले चेन्नई इन दिसजन वाई कैप ग्रेट लेग्स चेन्नई सीमार्ट के थ्रू भी ये लेता है तो अगर आपने कैट नहीं दिया है आप सीमार्ट के थ्रू ग्रेट लेग चेन्नई को जो है वो टारगेट कर सकते हैं यहाँ पे नहीं लिखा है बट सीमार्ट एक्सेप्ट करता है ग्रेट लेग्स चेन्नई देन यहाँ पे हमने आई बी एस भी डाल दिया है बिकॉज जब मैं काउंसिलिंग करती थी आपसे कई साल पहले तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पर मैं तो यू you नो know, मैंने देखा जिस बच्चे का कैट में नाइन्टी फाइव भी उसने भी एक फाइव आई बी एस आई बी सेट दे रखा है उसका रीजन क्या है कि जितने भी आई की ऑफिसेस होते हैं वो कैट की कोचिंग के सामने होते हैं आसपास होते हैं बच्चा एक बार तो चला ही जाता है एंड दे से से आपका कैट के एग्जाम के दिन कुछ बुरा हो जाए तो आपके पास कुछ बैकअप ऑप्शन होना चाहिए एंड दैट बैकअप ऑप्शन स्टूडेंट डूज टू कीप फॉर आई तो एक आई बी सेट का एग्जाम होता है काफ़ी इजी एग्जाम होता है तो जहाँ पे हमने जैट जैसे कॉलेजेस रखे जो बहुत टफ है वहाँ पे हमने एक एग बहुत इजी कॉलेज भी प्लेस किया कि आप आई बी सैट अगर आपके कुछ भी नंबर आए तो कोई ना कोई कैंपस तो आई का मिल ही जाएगा देन जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट भुवनेश्वर यू नो एक्स जी एम टी का भी एग्जाम होता है इनका और जैट के थ्रू भी ये एडमिशन लेता है राइट देन लास्ट बट नॉट लीज वी हैव जिम्स गोवा हैोवा सी मैट एक्सेप्ट करता है कैट एक्सेप्ट करता है जैट एक्सेप्ट करता है जी मैट करता है मतलब नॉन कैट कॉलेजेस दो और कॉलेजेस हैं जैसे यू नो आप टाटा इंस्टीट्यूट देख सकते हैं टिस नेट का एग्जाम होता है राइट विदाउट कैट आप टाटा इंस्टीट्यूट को टारगेट कर सकते हैं एक और एग्जाम होता है कॉल्ड एस आर सी सी जी बी ओ एवरेज पैकेज बहुत ज़्यादा तो अच्छा नहीं है बट व्हेन इट कम्स टू आर फीस बहुत कम है कंपटीशन बहुत कम है और कहीं ना कहीं इस यू नो एग्जाम को देख के आप श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स को भी टारगेट कर सकते हैं तो आई थिंक यू नो दैट्स प्रेडी मच सॉरी एक बची हुई है आई एम सो सॉरी आई थॉट कि यू नो खत्म हो गया दैट इज तापनी मणिपाल तापनी जो है वो कहीं ना कहीं एन भी एक्सेप्ट करता है तो अगर आपने एन दिया और आपकी स्कोर कम है कम्पेरेटिवली फॉर एन एम मुंबई तो आप तापमी देख सकते हैं आप यहाँ पर आप देखो मैंने चंडीगढ़ भी कट किया है एल भी कट किया है बहुत ईजीली एडमिशन हो जाते हैं तो कई बार यू नो बच्चा देख रहा है या तापमी के साथ चंडीगढ़ एल तो वो एडमिशन ले लेता है पर आप चाहो तो आप देख सकते हो इनका खुद का भी एग्ज़ाम होता है एल का चंडीगढ़ का अगर आपने कोई एंट्रेंस नहीं दिया है ईज़िली एडमिशन चाहिए देन वी एम माई अहमदाबाद माइक अहमदाबाद का माइक आट का एग्ज़ाम होता है बट माइकैट के साथ साथ उनको जैट या कैट एक एग्ज़ाम और देना पड़ता है राइट तो जैट को दे के साथ में माइक आट दे के यू नो आप इसको ले सकते हो आई थिंक उन्नीस लाख के आसपास का एवरेज पैकेज है और इक्कीस लाख का फीस स्ट्रक्चर है अब उसी के साथ साथ के आई आई टी प्लेस करती है बट के आई आई टी भी मुझे लगता है मतलब बहुत ईजीली एडमिशन हो जाता है ना के बराबर डिफिकल्टी है बट इनका भी के आई आई टी का एग्ज़ाम होता है राइट तो आप यू नो ऐसे ही एडमिशन ले लेते हो मैं बहुत सारे बच्चों को तो रिकमेंड भी नहीं करती बट यहाँ पे मैंने एक और लिख रखा है अन्ना यूनिवर्सिटी चेन्नई अ लॉर्ड ऑफ स्टूडेंट्स हु लिव देयर राइट फॉर देम यू नो इट दे दॉप एम बी ए कॉलेज इन देयर स्टेट सो उसके लिए टेंथ का एग्जाम होता है जो अन्ना यूनिवर्सिटी कंडक्ट करती है और आप उसको देख के भी कहीं ना कहीं वहाँ पे स्पेसिफिकली एडमिशन ले सकते हैं तो दीज आर दी लिस्ट ऑफ कॉलेजेस वॉट यू कैन टारगेट other than cat examination with different other examination do let me know your feedback at the comment section below do not forget to like share and subscribe i hope you like this video for more such videos keep watching our channel and do not forget to like share and subscribe